हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं और अम्मी आए थे आज लोखंडवाला मार्केट। जैसे आपको पता है कि रजा का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए ड्रेस का कपड़ा लेना था, तो बस हम वो लेके घर जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबका जाम है, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबके दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और मैंने आज अभी स्पेशली खुशी खुशी व्लॉग्स लिए स्टार्ट किया। अम्मी, मैं पहले रजा रेहान को छोड़ने लेने मतलब लेने जाती थी, उनके कुछ काम से जाती थी। मैं शादी के बाद इतने दिनों बाद आज पहली बार अम्मी स्कूल गई थी और सब लोग इतने प्यार से मिल रहे थे और ज्यादा पहचान रहे थे। मम्मी मिली थी एक, उसका छोटा सा बच्चा है समर्थ, वो बता रही थी कि अम्मी वो वीडियो देख के रो रहा था विदाई का। तो अभी मिले तो उन्होंने कहा स्पेशली समर्थ को बोलना, इतना क्यूट बच्चा, मैं आपको व्लॉग में भी दिखाऊंगी। सबसे पहले तो अम्मी सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, सबको छोटो बड़ों का अम्मी का प्यार भरा सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। और बहुत अच्छा लगा अम्मी, आज इतने सारे लोग प्यार से छोटे छोटे बच्चे सवा दीदी करके पहचान रहे थे, सारी टीचर्स मुबारक दे रही थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब प्यार करते हैं, सब जितना तुम्हारा दिल अच्छा है सबके लिए तुम सोचती हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए सोचता है सब। आज 9 दिसंबर, जैसे आपको पता है कि 3 दिन बाद रजा का बर्थडे है और भाभी की इस बार थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, वो मार्केट अभी इतना नहीं जा रही है, तो उन्होंने कहा कि तुम रजा के कपड़े बनवा दो। तो कपड़े हम कल लेके आ गए थे भगवान कलेक्शन से, आज हमें जाना जमील भाई के पास। आज बहुत सारे काम भी करने हैं, मेरा पेंडिंग जितना सारा काम पड़ा है वो करना है, उसके बाद जो इतने सारे गिफ्ट्स आए। और मुझे तो एक भी नहीं लगता कि शादी हो गई है, शादी के पहले भी वैसी दिखती थी, आज भी देखो वैसी दिखती हूँ। अम्मी वजन तो बढ़ गया होगा, ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत तो खाना पीना हर चीज। सही बताना, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं। चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस आए, बुरी नहीं लग रही हूँ। नहीं नहीं, क्यूट लग रही, क्यूट लग रही हूँ अब इतनी। लेकिन आज मैं अपना डर दूर करूंगी। नहीं काम ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत तो करा है, जिम्मेदारी तो होती है। पता नहीं ये वाली बात की शादी के बाद सब जगह दावतें होती है, चाहे थोड़ा सा खाओ सब जगह खाना पड़ता है। और मेरी वो आदत नहीं है कि मैं बोलूँ थोड़ा सा वो दिखाऊँ की नहीं 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 नहीं। अब आप किसी के यहाँ जाते हो तो कोई बनाता है, थोड़ा थोड़ा लो, अगर एक रोटी ली, इतने से बिरयानी ली और एक मीठा लिया तो हो गया आपका काम खत्म। लेकिन नहीं तो सबका भरना पड़ता, हाँ। थोड़ा से खा, शादी थी नहीं नहीं कुछ, हाँ। नहीं था, कोई मोटी होती नहीं। लेकिन मैं ना, मेरा बहुत बड़ा डर है फ्रेंड्स वजन का, और मैं बहुत सालों से मतलब एक साल हो गया जब डॉक्टर के पास गई थी जब थायराइड और पीसीएस के लिए, तब मैं वेइंग स्केल में चढ़ी थी, उसका वजन मैं आपको दिखाऊंगी कितना था। उसके बाद मैं अपने घर पे 80 नहीं था, तब से मैं घर पे कभी भी नहीं चढ़ी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर है कि मैं मतलब मुझे कैसे बोलते फोबिया है कि मेरा वजन बढ़ गया, मुझे पता बढ़ गया है लेकिन फिर भी मैं उस स्केल में नहीं चढ़ती हूँ डर की वजह से। तो आज मैं आप सबके सामने चढ़ूंगी और मैं बताऊंगी मेरा वजन कितना है, क्योंकि मुझे इस डर को दूर करना है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील करने लगती हूँ। तो चढ़ेंगे और फिर डाइट जैसे जैसे करेंगे वो भी आपको बताएं। लो भैया, स्कूल से आते साथ तुम ये चालू हो गए, जूतों का ध्यान रखना तो बनता है। अच्छा, तुमने हमें कहा कि तुम काम करना सीख गए, तुमने व्लॉग में मुझे क्या काम करते देखा? चाय बनाते हुए देखा किचन में, और कुछ ब्रेड व्रेड ये सब करते हुए देखा, सबको खिलाते हुए देखा। और मैंने रूम जो साफ किया वो मैं शूट नहीं कर पाई, वो तो रोज करना पड़ता था, इसलिए हम एक रूम में फैलावा तो होगा ही होगा। खिलाया सब, मम्मी इतनी बड़े बड़े सारे लोगों की दुआएं मिली, सब मेरा हाथ फेर फेर के गई, सबको यकीन नहीं हो रहा था, सबके लिए तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम मत करो। हमें भी इस वीडियो में देखा, इतनी खुशी लगी कि यार आज मेरी बच्ची सबको खिला रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। इनकी सारी फैमिली के लोग इतना ज्यादा, नहीं नहीं बेटा तुम मत करो तुम मत करो, लेकिन सनी ने बोला था तुम्हारे घर का फंक्शन है, तुम्हें सारी जिम्मेदारी उठानी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खिलाना पिलाना हर चीज करना। तो फ्रेंड्स, ये तो आप पहले ही देख चुके होंगे, भाभी को दे दिया, उनके ब्लॉग में आप देखना। और ये कंगन लिए थे कमरिया बाबा के, बोले ये इतने अच्छे भाभी, इतने सस्ते, पता है 40 रुपीज के, 30 रुपीज के, 4, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्रिटी है। क्रिसमस पार्टी के लिए दिलाई थी, लेकिन क्रिसमस पार्टी कैंसिल, तो ये भी पहन सकती है अब, इसके ऊपर है इसको जो अच्छा लगे, बहुत प्रिटी है, ये अच्छा लग रहा था जब इसने पहना था, है ना। तो बर्थडे वीक चल रहा है, तो कल ये गई थी तो कल अपने लिए कुछ कुछ चीजें लेके आई है, तो दिखा दो जल्दी जल्दी। इसको पता नहीं ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आती है, पाउच लेके आई, ये वाला पाउच लेके आई, ये मग लेके आई, छोटू सा ब्लैंकेट लेके आई है मिनीसो से, और ये कंघा भी लेके आई है, और ये ड्रेस भाभी इसको दुबई से लेके आई थी स्कूल में पहन के जाने के लिए। इसके नीचे वो कह रही थी इसको बूट्स टाइप लेंगे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं वो जाएंगी अब ये क्या पहनेगी। तो ये ड्रेस हो गई, और ये जैकेट बड़ी क्यूट है, जैसा पहन के दिखाओ। जादू लगाओ, लगाओ टोपा, जादू 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 जादू। अरे हाँ, उसको बहुत क्यूट लग रही है, देखे नाइस। हाँ, ये कप का हैंडल कितना नया तरीके से बनाया है सर, और पकड़ने में अच्छा लग रहा है, गर्म भी नहीं लगेगा। हाय फ्रेंड्स, अब मैं इसमें रोज एक कप दूध पीऊंगी। अरे दूध नहीं पीऊँ, गर्म पानी पी।
रियान गिर मत जाना, धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ऊपर आई हूँ अभी तो पता नहीं, सनी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज इस व्लॉग में हम शादी वाले गिफ्ट्स अनबॉक्स करने वाले हैं, थोड़ा शादी वाला फील भी आना चाहिए, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं उसके बाद आज हम सब लोग बैठ के गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। रेडी होने के लिए आज हम यूज करेंगे ईबा कॉस्मेटिक का मेकअप बॉक्स। ईबा के प्रोडक्ट्स मैं कितने सालों से यूज करती आ रही हूँ, जब से मेरा यूट्यूब चैनल होगा और उससे पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे होंगी, आपने देखा होगा कि मैं ईबा के प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा यूज करती हूँ और काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये हलाल है, एकदम हलाल है, पीटा सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, और उससे बड़ी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। सस्ता होने के साथ साथ जो रिजल्ट्स है प्रोडक्ट्स के वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और ये जो इस तरह के बॉक्सेस निकालते हैं ना वो काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए भी या अपने लिए भी पूरा मेकअप लेने के लिए भी, तो ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और हाई फाई जो मेकअप करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम जल्दी से अपना जो मेकअप है सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इनका फोटो परफेक्ट HD फेस प्राइमर। अब हम लगाएंगे ईबा का वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आपको बस थोड़ा सा लेना है क्योंकि ये हाई कवरेज देता है, सारे स्किन टाइप को सूट करता है और ये वाटरप्रूफ भी है। और मैं सोच रही हूँ जब तक मैं मुंबई में हूँ कुछ दिन मैं मेकअप सीख लूँ, मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मुझे हमेशा से तमन्ना भी है, तो कोई मीरा रोड में हो अगर घर आके मुझे थोड़ा बहुत बेसिक सिखा सकता है तो प्लीज मुझे डीएम करो, डीएम मत करो, डीएम कभी कभी मिस हो जाते हैं, मेल करो। एडिटिंग कर करके डार्क सर्कल्स हो गए उसे भी थोड़ा छुपाना है, तो हम ये ईबा का कंसीलर भी यूज करेंगे, और रात में जगने की आदत भी बुरी है हम लोगों की। अभी हम लगाएंगे आई शेडो थोड़ा सा आई मेकअप करने के लिए। ये वाला आई शेडो है फ्रेंड्स पार्टी वाइट। और इनका मेरा एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है ऑल डे कोल काजल, आईलाइनर की तरह यूज करूंगी। ये बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा स्मूद है, ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे लगाऊंगी और स्मज कर लूंगी, इससे ना बहुत नेचुरल सा लुक आता है। मस्कारा यूज करेंगे 24 आवर्स HD मस्कारा। तो ब्लश के लिए हम यूज करेंगे इनका लिप एंड चीक टिंट, शेड है शेयर पीच। बहुत सारे शेड्स आते हैं इसमें लेकिन ये भी बहुत ज्यादा अच्छे, इस तरह से पहले डॉट डॉट करके लगा लीजिए, अच्छे से स्मज भी हो जाता है। बहुत बार टिंट्स क्या होते हैं आप जैसे ही अपने उसको स्किन पर लगाओगे ना वो वहीं पे निशान छोड़ देते हैं, और ये कैसा स्मज हो जाता है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, तो ये ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा लगाया, आप इसे और ज्यादा भी कर सकते हो। और इनका ये वाला हाइलाइटर भी आता है, चाहे तो थोड़ा सा लगा ले, और ये देखिए क्या तो शाइन दे रहा है, मुझे बहुत इजी और फ्रेंडली लगते हैं प्रोडक्ट्स यूज करने में। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज बचती है वो है लिपस्टिक। ये है इनकी ट्रांसफर प्रूफ अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, और जो इसका शेड है वो बहुत ज्यादा प्यारा है, और ये शेड का नाम उससे भी ज्यादा प्यारा है, और अभी तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका नाम है निकार रेड। फ्रेंड्स मेरा लुक कंप्लीट ईबा के ये मेकअप बॉक्स के साथ, और लुक आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये ईबा का मेकअप बॉक्स अच्छा लगा या ईबा के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं तो उनकी वेबसाइट मैंने मेंशन कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उनका लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और मेरा कोड यूज करेंगे जो की है SABA20 तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हो चुका है हमारा सारा काम कम्प्लीट, अब बचती है सिर्फ अनबॉक्सिंग, वो हमें भी थोड़ी देर बात करेंगे। आज से मैंने थोड़ा थोड़ा अपना काम स्टार्ट किया है, सारे जो पार्सल्स आके रखे हैं ना फ्रेंड्स, इतना स्ट्रेस हो रहा था वहाँ पे क्योंकि सब कह रहे थे हमने यहाँ पे भेजा है, कुछ पार्सल अब मौधा भी जाने लगे, इतना सारा पेंडिंग काम पड़ा है, इतने सारे मेल्स पड़े हैं रीड करने के लिए। लेकिन सच में मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ, मैं जितने लोगों को अगर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आप लोग बोलते हो सबा नहीं देखती हो, सच में नहीं टाइम मिलता, और ये जो इस टाइम का आप लोग कहते भी हो कि शादी का जो बाद वाला पीरियड होता है उसे एंजॉय करो, काम तो करना ही है,
अगर डिले हो रहा है जिनके भी काम में तो मैं देर से सॉरी करती हूँ, सबका काम करेंगे इंशाल्लाह। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ पपाया और अम्मी बैठ के तस्बीह पढ़ रही है। हमने धर्म दादा से कद्दू मंगाया था, तो हमने कहा था पीला मत लाना, हरा वाला कद्दू लाना, एक किलो का ऐसे छोटा हो तो पूरा ले लेना। तो वो समझ नहीं पाया, बोला तो पूरा उठा के ले आया वो लगा छोटा वाला पूरा ले। जैसे अपने मोदा हमें मिलते यहाँ भी मिलते हैं जो डेढ़ किलो के छोटे छोटे ऐसे, तो हमने कहा पूरा ले लेना, पीला नहीं पका हुआ लाना। तो वो बेचारा देखो पूरा यही उठा रहा है हरा के वजह से। आप क्या बनाओगे? अब उसको वापस कर देंगे फिर आधा उसको दे देंगे। थोड़ा रेस्ट करी थी लेकिन हमें पता चला कि हमसे कोई मिलने आया, सिक्योरिटी वाले भैया बताने आए थे, तो हमने कहा चलो मिल के आते हैं। मैंने कल ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने इसके बारे में बताया था कि पढ़ाई दोनों ट्विन्स हैं, बहुत ही प्यारे हैं, इनकी प्यारी सी मम्मा। इनके बारे में मैं आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बता रही थी। रात को भी आएगा ना, मम्मी आए चलो देखते हैं, मैं पहले पूरा पढ़ाई पूरा होगा सब करके उसके बाद फिर थोड़ी टाइम पास। जब समर्थ ने मेरी विदाई का वीडियो देखा था भाई के साथ वाला, तब वो ये देख के रोया था। ये उसका क्लिप उसके पेरेंट्स ने बनाया था। मैं वीडियो देख के इतना इमोशनल फील हो रहा है। मम्मी भी तो आई शादी करके इधर, हर एक गर्ल को जाना पड़ता है ना, हर एक बॉय को जाना पड़ता है। बॉय शादी करके नहीं जाते, गर्ल शादी करके। क्यों बॉय क्यों नहीं आएगा? वो भी दिन आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगी ना स्कूल में कभी मिलने के लिए। तुम कैसे जाते थे मिलने के लिए? हाय सबा दीदी बोलने, ऐसे तुम चले जाना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बोलो अब बोल देना मेरे घर। और उसी वक्त हमसे कुछ और भी प्यारे प्यारे से लोग मिलने आए थे, उनसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी सारी बातें की। तैयारी करके रखी थी, कब गए थे? 6 बजे। जब से रखी हो? 12 days to go, हाँ? अब वो इतना बड़ा था नहीं लिखने के लिए। ये हलवा कब बनाया? ऊपर? हाँ आज मैंने ऊपर ही इंडक्शन में बना लिया। इसलिए पूछा था ना कि कैसे यूज करते, फिर यूज भी नहीं आता। फ्रेंड्स दिन भर से मौका ही नहीं मिला गिफ्ट खोलने का, मैं जब से ऐसे तैयार बैठी रही, काफी लोग मिलने आ गए बीच में, फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और उसके बाद अभी लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया है रात में तो। और रिजा ने बहुत अच्छा डेकोरेट भी किया है, थैंक यू रिजा। व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने ये भी कहा था कि हम अपना वेट नापेंगे आपको बताएंगे, तो पता नहीं अब आज नहीं है तो इंशाल्लाह कल जो हम गिफ्ट ओपनिंग करेंगे उसी वक्त वेट भी देखेंगे। और आज हम ये सारी चीजें खा ले फिर कल से नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे लग रहा है स्किन में भी फर्क पड़ रहा है। देखो या तो पता नहीं क्यों पानी नहीं पी रही हूँ या कुछ भी है, ऐसा नहीं होता था, ये एक्ने कुछ दिनों से आने लगे हैं छोटे छोटे, लेकिन पता नहीं किस वजह से आ रहे हैं, आप लोग भी बताइएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सर्दियाँ आती है ना तो हम लोग पानी कम कर देते हैं क्योंकि प्यास कम लगती है और अंदर बॉडी में हीट हो जाती है, ये रीज़न हो सकता है, या फिर ट्रैवल किया है वो रीज़न हो सकता है, या पता नहीं और कौन सा रीज़न हो सकता है, लेकिन ठीक है ठीक हो जाएगा। पहले ये फिर ये करके देखो। नहीं हुआ। कैसे ऐसे? ये तो कुछ नहीं है। कौन सी बड़ी बात है ये? फिर ऐसे फिर ऐसे। अरे ब्लॉग नहीं करना है, उसको ऐसे रखना है फिर खोलना है। ऐसे 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 अच्छा तू बंद कर दे। फिर बंद कर दिया। ऐसे फिर ऐसे। मेरा बंद नहीं हो रहा, तो तू कैसे रहा? पहले इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। अरे सारे तो सर टेढ़ा नहीं, हाथ टेढ़ा करना है। अरे इसको थोड़ा ऐसे रख लो ना, ऐसे ऐसे रख लो ना, ऐसे। अरे ऐसे रखे ऐसे, ये कौन सी स्टेप है? मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसे रखो ना सीधा, ऐसे क्यों रखी? हाँ तो राइट पे रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, और फिर इसको भी ऐसे ही टेढ़ा, इसको थोड़ा बंद रख के फिर उसको ऐसे खोल लेना है। अच्छा वापस करो। ये किया फिर बंद कर दिया उसे। तो वही ना, आगे करो पीछे करो।
लेकिन उसको ऐसे 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 करना है। अच्छा यहाँ ऐसे आ, आ, आ। अच्छा हाथ का ही डायरेक्शन मतलब हाथ सही तो है, हाथ कौन देखता है। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, तो आज हमें टाइम मिल गया गिफ्ट अनबॉक्स करने का, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो इतना ज्यादा हैवी है फ्रेंड्स, गिर ना जाए। गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। चिकन बनाना है भाई को, चिकन अभी फोन आया। कोरमा जैसे बनाते हैं हमेशा, नहीं आपको खड़े मसाले वाला बहुत खिला दिया भाई, आप कोरमा कोरमा अभी हम बनाते रहे ना भाई, वो दो बार खिलाया ना वही ना वही, वो तो खड़े मसाले का था। नहीं वही सब टमाटर वमाटर डाल, नहीं 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 आप कोरमा खाएंगे वैसे ही बनता है वो, वैसे ही चाहिए कोरमा। पता है आज 11 दिसंबर है, आज ऐसा का बर्थडे रिंग इन भी है, तो ये व्लॉग एंड करके हम दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे और आज कुछ नहीं करेंगे, कल करेंगे ठीक है ना कोई नहीं, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, क्या देंगे सब कुछ तो है, हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं क्या कम है, प्यार से बड़ा कोई गिफ्ट है प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, हम तुम्हें प्यार देते हैं। पिछली बार आया था वैसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, हम लोगों की बेइज्जती। ये बोलो भाभी के लिए बन रहा है, भाभी जो पहले फरमाइश करेगा अम्मी वही बनाएगी, चाहे हाँ। बेटी फरमाइश करे, चाहे बेटा करे, चाहे बहू करे, हाथे सब अम्मी के हाथ का। मांगे कोई भी खाने को हम सबको मिलेगा है ना। ओ तेरी, हाँ बोलो उसको गिफ्ट लेने, उसको गिफ्ट नहीं दे रहे प्यार दे रहे हैं ना। अरे प्यार दे रहे हैं लेकिन जो हमारे अंदर बात नहीं, नहीं नहीं प्यार, अरे जो आपने नहीं नहीं बोला कुछ नहीं प्यार, बहुत अच्छी रहेगा, वी लव यू सो मच। क्यों क्या किया हम आपको प्यार दे, फाइनली गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं फ्रेंड्स, इनका तो चलता रहेगा। पूजा थोड़ा सा मिट गया है लेकिन पूजा ने दिया है ये, ये भगवान तुम्हें कैसे पता, ये मुझे पता है, अम्मी लोगों ने सारे ऊपर से पूरा मुआयना करके रखा है। नाइस, बहुत अच्छी है, थैंक यू पूजा, बहुत अच्छी घड़ी दी है आपने, ये जिम वाले रूम में भी घड़ी नहीं है, वहाँ के हमारे डेकोर के हिसाब से जाएगा, थैंक यू सो मच। ये है रश्मि मैम और पवन सर की तरफ से, पवन सर नहीं आ पाए थे ना कोई काम, हाँ तो मैम आई थी, बहुत अच्छा लगा था मिलके, थैंक यू, आपका गिफ्ट हम अनबॉक्स कर रहे हैं। अच्छा वीना कपूर, ये अम्मी बेबे की तरफ से है, जो भाई की बेबे है बनी है ना, उस दिन ना रिसेप्शन में बहुत ज्यादा ऐसे जल्दी भीड़ की वजह से कभी सेट चलना, तो बेबे लगता है आपको पता है कि हम लोग चाय के कितने शौकीन है, तो आपने हमें कप का और ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सॉसर, सॉसर हाँ वो दिया, मतलब कप और प्याली का सेट दिया। फिर अम्मी लोगों का जब घर रेनोवेट होगा हमें वहाँ पे ऐसे यूज करना है ना, पहले मुझे भी लग रहा था जूते है, अच्छा लेकिन ये उससे भी अच्छी चीज है, क्या है शो के जो डीओपी है उन्होंने दिया, प्रतीक सिंह ने, इन लोगों को सबर नहीं होता, उन्होंने पहले ही खोल के रखा हुआ था, क्या है पर वो इतना बड़े बड़े ब्रांड का पर्स आप लोग क्यों लेके आए, डीओपी है प्रतीक सिंह उन्होंने दिया है ऑल दो का पर्स, थैंक यू। चाकू थक के चुप के बैठ गया, देखो अम्मी एकदम सही से खोल रही है, ये देसी स्टाइल है, ये भी तुम्हारे काम की चीज है, बहुत है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है, तुम इनमें से जो पसंद आ रहा है वो तुम्हारा। थैंक यू सो मच भगवान कलेक्शन एंड उनकी पूरी टीम को, मुझे लाइट सच में बहुत ज्यादा पसंद थी। अब हम ये खोलेंगे, बड़ा वाला पार्सल दिया है सबा और खालिद को फ्रॉम रवि शर्मा एंड फैमिली, माशाल्लाह, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की आमद मरहबा, सब लोग इसी बात पे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और बहुत शुक्रिया। चाकू हमारा बार बार हार मान के चुप के बैठ जा रहा है कि भैया मुझे छोड़ दो, एक्सिस बैंक के मैनेजर है जिनसे हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन, एकदम घर जैसे उन्होंने दिया है, बेटा आज तुम बचने नहीं वाले हो, ये सारे लैंप तो बिल्कुल अभी यूज हो जाएंगे, बस मुझे इनका बल्ब खरीद के लाना है और मैं हर जगह इनको चिपका डालूंगी। ये क्या है फ्रॉम अल्ताफ नेबर 204, जो भाई के सामने पड़ोसी है उन्होंने दिया है, पड़ोसी सामने वाला होता है या अड़ोसी होता है, दोनों पड़ोसी हैं, सामने हो पीछे हो कहीं नहीं, पड़ोसी आजू बगल वाला पड़ोसी और उसके बाजू वाला सामने वाला वो भी होता पड़ोसी है, बहुत अच्छे है भाई के जो नेबर है, बहुत अच्छी प्यारी से इनकी फैमिली है, प्यारी से दो बच्ची है उनकी, वो हमारे लिए लेके आए हैं, खोल लेना भी इनका एक ही पीस दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी ऐसे है बहुत सिंपल सा सबल सा है, हमारे घर के हिसाब से जा सकता है। यादव आंटी और उनकी फैमिली की तरफ से है, नीलू दीदी की तरफ से, बहुत प्यारी है, थैंक यू, थैंक यू, कह दो आपकी सहेली है ना, बहुत अच्छा है। अल्ताफ क्या है, अल्ताफ वो तो गिफ्ट लाए भैया, वाओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लैम्प, ये भी लैम्प, इसमें कैंडल रख दो, वाओ बहुत ही प्यारा,
थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा है इसलिए हम एकदम नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, एकदम डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखा है, लेकिन जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं त्रिवेणु सिंह। थैंक यू सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, आप आए थे, इतनी सारी दुआएं देके गए थे और इतना प्यारा सा मेरे लिए सूट लेके आए, मैं इसे जरूर सिला के पहन के आपको फोटो भेजूंगी। सिमरन की तरफ से हम तो मुझे लगता है जो भाई के शो में अमन प्ले करती है ना, सिमरन उसका ही नाम है। सच में कप प्लेट और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये गिफ्ट भी इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये गिफ्ट जो है वो हमें पल्लवी की तरफ से है, अगर हम किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं या ऐसा हो रहा है, तो आप सब आए थे वो बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देके गए थे वो बहुत बड़ी बात है, और गिफ्ट खोलने सब में तो मजा आता ही है, तो हमने कहा हमारे यूट्यूब वाले भी देखेंगे और हम लोग भी इंजॉय करेंगे और सारी चीजें जो है वो यूज में भी ले लेंगे, इतने दिनों से घर में पूरा रखा हुआ था, सनी होता तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता, उसको बहुत मन था कि गिफ्ट मेरे सामने खोलो, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, अभी वो चला गया तो हमने अभी खोल लिया। कल देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब मुझे हो गई थकान, तो मैंने कह दिया तुम लोग बैठ के खोलो मैं शूट करूँ। इसमें क्या करोगी अम्मी? इसमें वो सजा के रखेंगे, इसमें रो अफजा तो नहीं पीते? बहुत अच्छा है ना, तुम क्या कर रहे हो? क्यों इसके बाल लग गए फ्रेंड्स, ये वाले ना इनके बाल लग जाते हैं तो ब्लैक में पूरे चिपक गए। हम कैंडल कैंडिका, हाँ वो आंटी की तरफ से है। ओह सारी, अभी मैं सारी पहनूंगी किसी दिन, ठीक है? नाइस कलर, थैंक यू दीपिका आंटी, आप देखना कैसी लगेगी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। गिफ्ट है हमारे दास अंकल की तरफ से, चलो खोल। बहुत मोहब्बत करते हैं तुम्हें। इसे आप 2-in-1 यूज कर सकते हो, कटोरे का कटोरा बना लो और जार मतलब कुछ सामान भी इसमें रख सकते हो, इसमें ढक्कन भी है। थैंक यू सो मच दास अंकल। गौरव शर्मा, किचन की चीजें ज्यादा मतलब लोग इसलिए देते हैं किचन का सामान, नई नई गृहस्थी सेट होगी तो सारी चीजें इंसान को खरीदना पड़ेगा, हाँ इसलिए किचन की चीजें देते हैं, जो कि काफी ज्यादा थॉटफुल भी है कि इंसान को यूज होगा। आइसक्रीम सेट है ना, चम्मच डालो अगर खाओ अच्छी और मजबूत भी है, इसने भी बहुत अच्छी थी। और वैसे इसमें खीर भी खा सकते हैं, कुछ भी खा लो, रस मलाई खा लो, बहुत अच्छे। सोनिया केसवानी की तरफ से, जैसे आप सब जानते होंगे डॉली के रूप में जो भाई के शो में उसकी बहन प्ले करती है, उसकी तरफ से मक्स है, क्वीन लाल कलर की है और ये किंग है। थैंक यू सो मच, इसे हम यहीं पे भी सजा के रखेंगे। थैंक यू डॉली। आपकी जो सहेली है ना सरोज, उनकी तरफ से थैंक यू सो मच सरोज आंटी। गिफ्ट है डिंकी की तरफ से, जिसे आप सब जानते ही होंगे क्या बोलते हैं पीआर मैनेज करती है, इसमें हम देखते हैं क्या। सबसे पहले तो एक बैग है अम्मी, जिसमें कुछ सामान रख लो ना, बैग का बैग है। ओ वाह अच्छा है ना, कुछ न्यू स्टाइल रख देते, गंदा नहीं होगा, जब कहीं जाएंगे घूमने इंशाल्लाह फिर लेके जाए। इसको अम्मी को बेसब्री से इंतजार है, देख के शिवांगी कुलकर्णी जो फोटोग्राफर है, बहुत ही अच्छी जानी मानी और हमारी बहुत ही क्लोज है भाई भाभी के थ्रू, हम उन्हें जानते हैं, उन्होंने हमें ये दिया है। सही बात है, मतलब अब किचन का सामान तो हो गया, थोड़ा सा बेडरूम का भी होना चाहिए। ब्लैंकेट दिया, थैंक यू सो मच। और शिवांगी ने कहा है कि उन्हें मेरा और सनी का भी फोटो शूट करना है। अच्छा। हाँ तो अब जब भी इंशाल्लाह सनी आएगा, शिवांगी आप रेडी रहना, हम फोटो शूट करेंगे। गिफ्ट तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगे, अभी और भी बचे हैं वो भी आगे खोलेंगे, अभी थोड़ी सी थकान हो गई है। और उससे ज्यादा अच्छा लगा था कि आप रिसेप्शन में आए थे, आप सबने हमें इतना प्यार दिया था, हमारी पूरी सोसाइटी के लोग, भाई भाभी के पूरे सेट के लोग और जो भाभी के भाई के जितने भी मुंबई में रिलेशन जो उन्होंने इतने प्यारे प्यारे बनाए, इतने सालों से वो लोग आए थे, हम इतनी मोहब्बत देके गए थे, दुआएं देके गए थे, बस वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह हम लोगों का साथ बना रहे, आप सब दुआएं देते रहे और आप सबकी दुआएं रंग भी लाई हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और हमारी भी यही दुआ है कि आप सबकी जिंदगी में, आप सबके बच्चों की जिंदगी में इससे भी ज्यादा खुशहाली अल्लाह पाक दे। सही, दिल से शुक्रिया। ये सारे बेचारे लोग अब पूरे पैकेट भी उठा उठा के रख रहे हैं। थैंक यू। अब हम करने लगे इस वीडियो का एंड, भाई का व्लॉग आप देख चुके होंगे, सब लोग मेरी खिंचाई कर रहे हैं। अब रिजा की बर्थडे की तैयारी भी करनी है, ये व्लॉग जो है वो भी एडिट कर रही थी, अभी मुझे अर्जेंट याद आया इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। और हमें ये कहना था गिफ्ट सबके बहुत ज्यादा अच्छे लगे और जिनके नाम नहीं लिए मतलब उन लोगों ने पैसे दिए थे और वो सब हम खर्च कर चुके। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो, और इस तरह प्यार देते रहिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, आई लव यू, आई लव यू, सबको प्यार, अल्लाह हाफिज, सब अगली वीडियो आगे लेके अल्लाह हाफिज।